तो वेयर ब्रिज पेनांग अभी यहाँ से प्रॉब्ली हम लोग ट्रेन लेंगे, बेदांग पसार ऐसा उस ऐसा भी नाम है, बेदांग है वो उस प्रॉब्ली जितना मेरे को पता है उसके लिए। तो उसके लिए ट्रेन बीच में गई तो चेंज करना पड़ेगा, तो वो अभी देख के चेक करके आपको बताते हैं आगे। तो ये स्टेशन का एक्चुअल नाम है बटरवर्थ और जो कि है पेनांग में। अभी यहाँ से हमारा ट्रेन आगे रहेगा पदान देसार के लिए, तो 6:25 का ट्रेन है और कुछ आई गेस 1 आवर के ऊपर का जर्नी रहेगा। और टिकट हमें पड़ा है 11 RM, 11.40 RM का, विच इज़ ऑलमोस्ट 200 या उससे कम रहेगा मे बी, या उससे ज़्यादा, इंटू 17 करके देख लो जो भी रहेगा एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा। मैं और डायरेक्टली यहाँ पे डेबिट कार्ड चल जाता है। तो ये मैंने ना वो KK सुपर मार्ट से शाम को कुछ जो भी चीज़ें ली थी ना उसका बिल है, जैसे 1.5 लीटर पेप्सी 3.29 RM है, ऐसा सबका अलग अलग है। बिस्किट लिया था ये वो, तो अमाउंट है टोटल वाला 24.90, विच वॉज अगेन अराउंड कुछ 500 के अंदर ही था। ये वाला ही अपना ट्रेन है 6:25 का, जाके बैठ जाते हो अभी। ये KL जा रहा है कुआलालंपुर, तो इसका सीटिंग आप देख सकते हो मस्त है एकदम नॉर्मल सीट है। और अपना वो ये वाला तो लग रहा है तो मेट्रो जैसा नहीं, ओके ओके सीट है, लाइक मुंबई के जाना। एक ऐसा यहाँ पे बैग डाल के रखा है फिलहाल, और ये सामने की तरफ। तो 6:25 को ट्रेन निकलेगा, देखते आगे कितना टाइम लेता है पदान भाई साहब उसमें। और यहाँ पे ये अपना जैसे इंडिया में रहता है वैसे ही मैप है ट्रेन का, कहाँ से कहाँ जाना है वो। सो हम लोग है ना यही कहीं पे, एक मिनट आपको बताता हूँ। बटर 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 ये साइड में है मलेशिया और ये साइड में है थाईलैंड। तो वी हैव ब्रिज पदांग बेसार, सो बेसिकली ये मलेशिया का लास्ट स्टेशन है। यहाँ से अभी कुछ और 30 मिनट्स ट्रैवल करना है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे थाईलैंड और मलेशिया बॉर्डर पे। तो ऑफिशियली वी आर लिविंग आवर कंट्री नंबर 2 एंड सून वी विल बी एंटरिंग इन आवर कंट्री नंबर 3 एंड द लास्ट कंट्री ऑफ दिस ट्रिप। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 था, यहाँ पे हम लोग उतरे ट्रेन से और ब्रिज से ऊपर आके ऐसा आना है। और वहाँ पे ICOS ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो उस साइड है इमिग्रेशन। थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे इमिग्रेशन। तो अभी बस यही ब्रिज से चल के, यार बड़ा सा ब्रिज है इस साइड रहेगा मलेशिया, वो साइड जाएगा तो हो जाएगा थाईलैंड। ऑफिशियली वेलकम टू थाईलैंड, आवर 3rd एंड लास्ट कंट्री ऑफ दिस ट्रिप। तो अभी हम लोग हैं पदाम बेसार में ही, बट ये थाईलैंड की साइड से इमिग्रेशन एकदम स्मूथ था। उसने बस पूछा कब तक हो, कितने दिन के लिए, और बस इतना ही, और कुछ नहीं पूछा और स्टैम्प दे दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से जाएंगे आगे। तो वी आर इनसाइड दिस कैब, पदाम बेसार स्टेशन से उतर के हमने इमिग्रेशन किया विच वॉज देन जैसे मैंने बताया। और अभी अपना जो टोयोटा का वैन टाइप है जो हमें ले जाएगा हाथी हाई ऐसा कुछ तो प्लेस का जगह है, और वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करेंगे बस पकड़ने, क्योंकि ट्रेन का ये लोग बोल, जो ड्राइवर से हमने बात किया वो बोलते हैं कि ऑलरेडी ट्रेन पूरा फुल ले करके, तो मे बी हम लोग हाथी हाई से बस लेंगे विच विल टेक अराउंड मोर 15 to 18 hours टू रीच बैंकॉक। तो देखते आगे का कैसा क्या, आपको अपडेट देता हूँ। अगेन गोइंग बैक टू सेवन इलेवन, क्योंकि अभी बस निकलेगा वो लाइक 12 घंटे के ऊपर का जर्नी है, तो बीच में वो लोग 7:11 ही रोके, बट कब कितना टाइम कुछ पता नहीं। तो बेटर है कि अभी हम लोग कुछ ले लेते, उसमें भी उसमें अपने हीरो ने सिद्धेश ने एक ये भूल गया, एक बैग हमने एक्स्ट्रा कैरी किया था वो खाने का,
अभी जाते हैं 7-11। सो ये कुछ अभी खाने के लिए लिया है ट्रिप अभी आगे की जर्नी के लिए। सो दिस कॉस्ट $118 बात। और इसमें कुछ एक बर्गर टाइप का जो ये चिकन सॉसेज ब्रेड वो लिया है। और एक मैंने अभी ऑर्डर किया कुछ कॉफ़ी टाइप है चॉकलेट सिग्नेचर। सो ये 40 मतलब ठीक है, जो भी रेट रहेगा वो इंटू 2 करेंगे तो हो जाता है ऐसा कुछ है। 7-11 में ये मिलता है। थैंक यू। सो वी आर लेफ्ट फॉर बैंकॉक इनसाइड दिस वैन जो टोयोटा का है। और कुछ 12 आवर्स का जर्नी है, रात को 12 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसका एसी भी इतना कुछ उतना पावरफुल नहीं है नॉर्मल है और थोड़ा कंजेस्टेड है। बस ठीक है 750 बाथ्स में लेके जा रहे हैं विच इज़ अराउंड इंडिया का कितना आई गेस 1400 के आसपास। 1500 के आसपास पकड़ के चलो। बट अभी ठीक है कुछ ऑप्शन नहीं था, हमें आगे भी पहुंचना है बैंकॉक से भी। प्लान है कि सीधा पतराया जाए कि रिटर्न आना है हमें बैंकॉक फ्लाइट उधर से रहेगा। तो यहाँ से जहाँ पे हम लोग थे वो जगह का नाम भूलने हो रहा है बार बार। तो हम लोगों को पीछे जो प्लेस था जो नॉर्मल छोटा सा एक एरिया था हाथी आई ऐसा कुछ तो था, तो वहाँ से बैंकॉक इज़ अराउंड 15-12 आवर्स ऑफ जर्नी बाय रोड। और ट्रेन से लगता है ऑलमोस्ट 18-19 आवर्स। तो इट्स बेटर कि हम लोग बाय रोड जाए क्योंकि ट्रेन में एक अच्छा था कि सोबे के जाने मिलता है बट वो ओवरनाइट जर्नी रहेगा फिर उतना और वहाँ से फिर पटाया और 2 घंटा आगे। सो हमने सोचा कि पहले ही चले जाते हैं, मस्त 2-3 दिन से पार्टी करेंगे मज़ा करेंगे और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है और फिर वो लेके निकल जाएगी वैसा। तो टाइम हुआ है 7:30 और हम लोग कहीं तो बीच में पता नहीं कहाँ पे टूवर्ड्स बैंकॉक फ्रॉम द ईस्टर्न एंड। तो टोटल डिस्टेंस आज कवर करने वाले थे ना वो है अराउंड 950 किलोमीटर्स कुछ है सिर्फ पटाया। तो अभी सीन कैसा है ना, बंदा रोड्स बहुत अच्छे तो नॉर्मल वो ऐसा 120 ऐसा भी चल रहा है तो उसका कोई सीन नहीं है। और हम लोग ने कुछ सुबह 12 बजे निकले थे तब से लेके अभी तक नहीं बोल के 700+ किलोमीटर्स कवर किया है और अभी कुछ अराउंड 350 के आसपास किलोमीटर्स बचा है तो मोस्ट प्रॉब्ली 11 बजे तक पहुँच जाएगी। One eternity later. एक बस टर्मिनल है तो हम लोग अभी जो है ना ये अपना कुछ 850 किलोमीटर्स कवर करके पदम बेसार से यहाँ पे पहुँच गए बैंकॉक में। और अभी क्या था पटाया जाना था बट वो हॉस्टल में ना ऐसे भी चेक इन मिलेगा नहीं सुबह कल दोपहर तक सॉरी। और हम लोग ऑलरेडी थके हुए लाइक पूरा दिन ट्रैवल किया हम लोग ने लाइक 800 किलोमीटर्स वो वैन में। तो इसलिए सोचा कि अभी सीधा जाके ना ये कहीं नियर बाय एक होटल या हॉस्टल देखते और रात रात निकलते। तो बस अभी एक हॉस्टल मिला है तो वहाँ जाएगी और देखेगी, अगर सेपरेट रूम भी मिलता है तो उसमें रहेगी नहीं तो डोम बस जाके सोएगी। अभी वी आर हियर इन बैंकॉक 800 किलोमीटर्स का जैसे मैंने बोला 800+ किलोमीटर्स कवर करके वो जो काइंड ऑफ एक टैक्सी थी जिसमें से सब जन आके वो लोग ने चार्ज किया 1500 बाद 750 बाद विच इज़ अराउंड 1500 वो करके हम लोग यहाँ पहुँचे। तो कुछ बुकिंग था नहीं और हमारा प्लान था यहाँ से मतलब वहाँ उतर के सीधा दूसरा कैब या जो भी बस लेके पटाया के लिए निकलने का बट वो हमने अभी फ़िलहाल के लिए स्किप किया, सोचा बहुत ज़्यादा थक गए थे कल रात से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं नॉन स्टॉप। तो अभी इधर ही एक हॉस्टल मिला है तो उसमें महानोब हॉस्टल करके नाम है इसका। तो इन सही एरिया है बहुत, ये नीचे उनका कैफ़े ऊपर उनका रूम है। सो हम लोग ने ना नॉर्मल प्राइवेट रूम लिया है वो हम लोगों को 500 बाथ्स का पड़ा विच इज़ अगेन अराउंड 1000 और 1100 के आसपास रहेगा। और बहुत सही डिसेंट प्लेस है, एसी रूम है और उसके सामने ही 7-11 है जहाँ से सब खाने मिल रहा है अच्छे से। सो दैट्स इट, अभी रूम पे जाएंगे फ्रेश एन अप होके मस्त हो जाएंगे और कल निकल जाएंगे हम लोग रिटर्न पटाया के लिए। 2 दिन का प्लान है पटाया में रहने का, 2 नाइट लाइक कल का नाइट एंड सैटरडे नाइट में भी। अगर कंटाला आ गया तो रिटर्न हम लोग बैंकॉक आ जाएंगे क्योंकि हमारा संडे को फ्लाइट है मुंबई के लिए बैंकॉक से। तो दैट्स इट, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।